नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बहुत अमीर बनने वाली रेखाएं, जिसको कहते हैं जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाना और ये धन कमा के संग्रह करना। हर एक इंसान का एक लक्ष्य होता है कि मैंने जीवन में अमीर बनना है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आप जीवन में अवश्य एक दिन अमीर बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथों पे तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा, हम जीवन के कोई भी कार्य करते हैं हमारे जीवन रेखा पे ही उसका इशारा मिलता है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से बुध पर्वत से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम की रेखा बोलते हैं। सबसे पहले जीवन में अधिक धन कमाना सबकी चाहत होती है, सबका एक हौसला होता है कि जीवन में बड़ा आदमी बनना है। और वो बड़ा आदमी कैसे बनता है? अपनी कार्यशैली को बढ़ाकर, अपने दिमाग को लगाकर, कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे लगाता है आदमी, कुछ ना कुछ सीखता है, काम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जब भी हम कार्य करने की प्रक्रिया को देखते हैं, जब भी हम विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, जीवन में भाग रेखा को अवश्य देखते हैं। भाग रेखा सफलता की एक कुंजी मानते हैं। व्यवसाय कैसा करेंगे, कितना धन कमाएंगे, वो हमारी भाग रेखा ही बताती है। और काम कैसा भी हो, एक शिखर पे लेके जाने वाली इस हमारी शनि की रेखा, जिसको हम भाग रेखा कहते हैं, ये अगर आपकी सफलता पूर्वक है, इस पे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं वो हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाएगी, आपको एक विकास की तरफ लेके जाएगी। और ऐसे लोग जीवन में पैसे बहुत अधिक धन कमाते हैं, सिर्फ भाग रेखा ही प्रबल हो। और ये भाग रेखा और सातवें शनि का पर्वत समान रूप से उठा होना चाहिए, इस पे कोई बुरे चिन्ह नहीं होने चाहिए। जैसे कि तिल हो गया, क्रोस हो गया, ये भाग को रुकाने का काम करते हैं और रोधक का काम करते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम अच्छी बोलीवाणी की बात करते हैं, बिजनेस और व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबार की बात करते हैं, अपनी इस बुध की रेखा को जरूर देखते हैं, इस बुध की फिंगर को जरूर देखते हैं। हस्तरेखा में अगर ये बुध की फिंगर बड़ी हो जाए, क्या कहना, ये सबसे बढ़िया सूचक मानी जाती है। और ये आपके किसी भी कार्य को करने की क्षमता को दर्शाती है। ये बुध की फिंगर कितनी भी बड़ी हो जाए, इसका कोई दोष नहीं होता है, बल्कि आपके प्रोग्रेस के ही बारे में बताती है, आपके तरक्की के बारे में बताती है। और अगर इसी बुध के पर्वत के ऊपर ये खड़ी लाइन है व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में, और यहां पे अगर एक त्रिकोण भी बन जाए, ऐसे लोग मास्टर माइंड होते हैं, अपने जीवन काल में अवश्य एक दिन अमीर बनते हैं। इसी प्रकार से ये सूर्य की फिंगर बड़ी और सूर्य का ये पर्वत बड़ा हो, ये सूर्य का पर्वत बड़ा हो और यहां पर एक फिश साइन बन जाए, फिश साइन, ये फिश की साइन बन जाए, फिश साइन, ऐसे लोग जीवन में अवश्य अमीर बनते हैं। आज कैसा भी इनका व्यवसाय है, कैसा भी कारोबार है, एक दिन इनका नेम फेम भी होगा और पैसे भी, अधिक धन जिसको हम कहते हैं, अधिक मात्रा में आएगा। और ये एक फेम की रेखा के साथ अगर जुड़कर एक फिश की साइन बनती है, ऐसे लोग जीवन में
काफी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इनका यश, मान सम्मान सब कुछ होता है। ऐसे लोग बड़े लोगों में शुमार होते हैं। आज भी स्थिति कैसे है, लेकिन आने वाला समय इनका बहुत बेहतर होगा। और ये चंद्रमा का क्षेत्र है। अगर चंद्रमा के क्षेत्र के ऊपर, चंद्रमा के क्षेत्र के ऊपर जिसको बोलते हैं एक शिखर पे चढ़ने वाली कला को सिखाती है, और यहां पर एक पौड़ी बन जाए जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, और इसमें चार खंड हो जाए, ऐसे लोग अपने जिंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां तक कभी सोचा भी ना हो। और ये कहते ना स्टेप बाय पौड़ी पौड़ी चलता जा, द्वार अपने आप आ जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, तो ये द्वार खुल जाते हैं। ऐसे लोग सफलता की शिखर पे अवश्य चढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार से जब भी हम जीवन की अधिकता की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो अपने जीवन में क्या कुछ हम कमाएंगे वो हमारी भाग्य रेखा के साथ, ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं भी हमारे काम के प्रोग्रेस के बारे में तय करती हैं कि कब हमारा विकास होगा। ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, और अगर ये गुरु के पर्वत के ऊपर एक त्रिकोण बन जाए जिसको कि कहते हैं सरकार के क्षेत्र से लाभ, पॉलिटिकल के क्षेत्र से लाभ, और लोगों का सपोर्ट, और ऐसे लोगों की बोलने की जो कला होती है बेहतर ढंग से मजबूत होती है, एक पकड़ होती है, किसी भी क्षेत्र में हो इंसान वहां का एक लीडरशिप के तौर पे काम करता है, प्रबंधक के तौर पे काम करता है, और जीवन में अवश्य ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी जीवन रेखा से त्रिकोण बन जाए ये आपकी जिंदगी का एक शिखर है। ऐसे लोग अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाते हैं, गाड़ी मोटर खरीदते हैं, ये सफलता का एक सूचक माना जाता है, बढ़ोतरी की तरफ अग्रसर माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में कई प्रॉपर्टियां बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी का भी सूचक है। अगर आपके जीवन रेखा से कोई भी रेखाएं त्रिकोण का काम करती है तो यहाँ प्रॉपर्टी का निर्माण करती है, या प्लाट का निर्माण करती है, या गाड़ी मोटर खरीदने का भी निर्माण करती है। और इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क रेखा से यहां पर त्रिकोण बन जाए, ये भी प्रॉपर्टी की सूचक है। हमेशा जो साइन होते हैं उसके प्रभाव हमारे लाइफ में अवश्य आते हैं, लेकिन वो उस साइन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में तरक्की अवश्य करते हैं। हस्तरेखा में अगर फिश की साइन कहीं भी है, बाप के एक दिन शिखर पे अवश्य पहुंच आएगी, क्योंकि कहते हैं ना मछली जल की रानी है, और वो समुद्र के गहरे पड़ाव तक लेके जाती है, और जीवन की एक सफलता के राज तक आपको पहुंचा देती है। और ये मछली की चंचलता जीवन में हर एक इंसान के विद्यमान जीवन में चलित धारा की तरह होती है, और वो एक लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगी आपको। और एक चंद्रमा से निकलकर ये हमारी जो पौड़ी चली है एक शिखर की तरफ, और ये फिश की साइन का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे लोग जीवन में अवश्य अमीर बनते हैं और अधिक धन कमाते हैं, जिसको कि बोलते हैं हर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।